नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 17 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो HPPG एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कब होंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी एग्ज़ाम की डेट रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPPG एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो HPU के PG और UG के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, HPU ने उनके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPBED एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म क्या फिल हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही HPBA BSc BCom शास्त्री फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो इस दिन जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजों में छुट्टियों से पहले UG लास्ट ईयर के पेपर हो जाएंगे चेक, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि HPU के जो UG और PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं उनकी जो डेट्स हैं वो क्या क्या रहेंगी, तो BBA MA सोशोलॉजी, MCA MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टेस्ट है वो यहाँ पे 22 मई को आयोजित करवाया जाएगा। इसी के साथ FYICTTM MA संस्कृत, BHM MA योगा का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 24 मई को आयोजित करवाया जाएगा। MTTM MED का 25 मई को, MPED का जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम है और जो ग्राउंड टेस्ट है वो 25 मई और 26 मई को आयोजित होगा। इसी के साथ MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, MSc मैथमेटिक्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आप लोगों का 27 मई को आयोजित करवाया जाएगा। इसी के साथ MSc फिजिक्स, बोटनी, MCOM, MA पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 28 मई को आयोजित करवाया जाएगा। MA साइकोलॉजी, MA सोशल वर्क, MA रूरल डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 29 मई। इसी के साथ MSc माइक्रोबायोलॉजी, MTech कंप्यूटर साइंस, MBA रूरल डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 5 जून को आयोजित करवाया जाएगा। HPU मैट MCA का एग्ज़ाम 6 जून को आयोजित होगा। MA इंग्लिश, MA हिंदी का 7 जून को, MA इकोनॉमिक्स, LLB, MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो 8 जून को आयोजित करवाया जाएगा। इसी के साथ MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MFA पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, MA ज्योग्राफी, MPED का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 10 जून को आयोजित करवाया जाएगा। इसी के साथ MSc एनवायरमेंटल साइंस, MA विजुअल आर्ट्स पेंटिंग, MA परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक, MSc बायोटेक का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 11 जून को आयोजित होगा। इसी के साथ BTech के जो भी एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे 16 जून को आयोजित जो है वो करवाए जाएंगे। तो जो भी आपकी स्क्रीन पे डेट्स दिख रही हैं इन पर्टिकुलर डेट्स को जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे UG और PG के आयोजित होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आप लोगों का यहाँ पे जो PG के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं और UG के उसी से संबंधित रहेगा। तो UG PG प्रवेश परीक्षाओं के लिए HPU ने जारी की केंद्रों की सूची। HPU प्रीसर सहित PG कोर्स के लिए मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला में भी बनाए गए केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने UG प्रोफेशनल और PG डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए 22 मई से 11 जून तक होने वाली परीक्षाओं के लिए जो यहाँ पे सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। करीब 18,000 विद्यार्थी जो है वो ये परीक्षाएं देंगे। ये प्रवेश परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ यहाँ पे जो आपका HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला है वहाँ पे डिग्री कॉलेज हमीरपुर और बल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी में भी जो है वो आयोजित करवाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कार्यालय की ओर से जारी की गई परीक्षाओं के लिए जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र है उनकी सूची में अधिकतर ऐसे PG डिग्री कोर्स जिसमें 900 से अधिक आवेदन आए हैं इसके लिए परिसर के अलावा धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। PG डिग्री कोर्स और UG स्तर की डिग्री के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं हैं जिनमें कम संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं उनके लिए सिर्फ जो है वो HPU कैंपस में ही एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि आवेदन करता छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पे ही जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रोस्पेक्टस में दी गई शर्त के अनुसार जिस भी कोर्स के लिए 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है उनके लिए अन्य शहरों में भी जो है वो एग्जामिनेशन यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं और जिन भी कोर्सेज में 100 से कम छात्रों ने अप्लाई करा है उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सिर्फ HPU में ही
जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ जो ये प्रवेश परीक्षाएं हैं वो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ, 22 मई से लेकर 11 जून तक आयोजित होंगी, और जो एडमिट कार्ड हैं वो 19 मई को अपलोड होंगे, यानी कि जो आपके लोगों के एडमिट कार्ड हैं इसके लिए वो 19 मई को यहाँ पर आएंगे। मंडी धर्मशाला हमीरपुर में केंद्र जारी की गई परीक्षाओं की सूची के अनुसार पीजी डिग्री कोर्स में एमएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, एमकॉम, पॉलिटिकल साइंस, एमसीए, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री के लिए मंडी धर्मशाला और हमीरपुर में जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। रोल नंबरों को डाउनलोड करने को लेकर छात्रों के दिए गए मोबाइल नंबर पर यूनिवर्सिटी की ओर से मैसेज जल्द आएगा। उसके बाद छात्र पोर्टल में लॉगिन करके जो है वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित जो सूचना है वो जारी कर दी जाएगी। तो जो एडमिट कार्ड हैं वो 19 मई को यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि आप लोगों के जो 2 दिन के बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो पीजी और यूजी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU UG फाइनल ईयर के जो पेपरों की चेकिंग चली हुई है और जो UG फाइनल ईयर का रिजल्ट है उनसे संबंधित रहेगा। तो कॉलेजों में छुट्टियों से पहले UG फाइनल ईयर के पेपर हो जाएंगे चेक। प्रदेश के 24 केंद्रों में चल रहा है पेपर चेकिंग का काम। यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स हैं उनके जो छात्रों के अवार्ड हैं वो भी आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने प्रदेश भर में बनाए गए 24 इवैल्यूएशन केंद्रों में से एक दर्जन में UG जो लास्ट ईयर है उनके जो आंसर शीट्स हैं उनकी चेकिंग का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे जो UG लास्ट ईयर है वहाँ पे 30,075 विद्यार्थियों की करीब जो है वो 2,40,000 से अधिक आंसर शीट्स जो है वो चेक की जाएंगी। एक छात्र की औसतन 8 से 9 विषयों की आंसर शीट्स का मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। केंद्रों से यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिलना भी शुरू हो गए हैं। UG लास्ट ईयर के छात्र छात्राओं को PG में प्रवेश के लिए रिजल्ट जो है वो जल्द चाहिए। इस काम में तेजी जो है वो लाई जा रही है और इसको तेजी से किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस में 10 जून से प्रस्तावित छुट्टियों से कम अंतिम वर्ष का मूल्यांकन का कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 10 जून से पहले पहले पेपरों की जो चेकिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो अगर रिजल्ट की बात करूँ तो जैसे ही ये पेपरों की चेकिंग हो जाएगी, जैसे इन्होंने बोला है कि 10 जून तक जो पेपर हैं वो चेक हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो जून 2nd और 3rd वीक है वहाँ पे जो लास्ट ईयर के BA, BSc, BCom शास्त्री हैं उन छात्रों का रिजल्ट भी जो है वो जारी हो जाएगा। तो जून 1st वीक में पेपरों की चेकिंग हो जाएगी और जून मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि 3rd वीक तक जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे BA में 19,000 जो छात्र हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, BSc में 5,000 और BCom में जो है वो 4,500 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ 500 से अधिक विद्यार्थी जो है वो शास्त्री की परीक्षा दे रहे हैं। तो करीब 30,075 विद्यार्थी जो है वो इन तीनों कोर्सेज में अपने एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। और जो छुट्टियाँ होंगी उससे पहले पहले जो काम है चेकिंग का वो भी यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो इसको लेके भी जो है वो यहाँ पे HPU के जो कर्मचारी हैं उनको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने हिदायत जारी कर दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU जो BEd के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं उनके जो फॉर्म फिल होंगे उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि जो HPU BEd के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म हैं क्या वो भर रहे हैं, क्या वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँ, मैंने पहले बताया है कि अभी तक जो HPU BEd के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो यहाँ पे फिल होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे HPU ने BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं करा है कि जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, जो फॉर्म है वो कब तक फिल होंगे। तो अभी तक कोई भी यहाँ पे BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म HPU का फिल नहीं हो रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो फिल होने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और वो फिल भी हो रहे हैं, लेकिन HPU के जो BEd के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो अभी तक यहाँ पे फिल नहीं हो रहे हैं। तो अब बात यही आती है कि ये फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे फिल होने और टेस्ट कब होगा। अब टेस्ट की बात करूँ तो जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है वो जुलाई में ही होता है, तो इस बार भी आप लोग होप लगा के चल सकते हो कि जो BEd के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे जुलाई मंथ में जो है वो आयोजित होगा। और अब बात करें कि इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम डेट है और जो फॉर्म स्टार्ट होने हैं फिल करने के लिए वो कब तक हो सकते हैं, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को विद इन वीक में देखने को मिल जाएगा। यानी कि विद इन वीक जो भी टेस्ट कब होगा, टेस्ट के रिगार्डिंग जो फॉर्म कब से फिल स्टार्ट होंगे होने और इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, यानी कि विद इन वीक यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी, नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे पहले भी टेस्ट होता है मैंने आपको बोला, तो टेस्ट यहाँ पे जो है वो जुलाई तक आयोजित हो सकता है।
तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यहाँ पे अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।